प्यारे भाई बहनों, पादरी बरकत मसीह आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है परमेश्वर के गुण, परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर की खूबियाँ। परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसे हम प्यार करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसका हम नाम लेते हैं, जिस पर हम भरोसा रखते हैं, मेरे प्रियो, वो अद्भुत है। उसके बारे में जितना अधिक आप जानेंगे, आप पाएंगे कि उतना ही कम आप जानते हैं। हमारे परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर के गुण अथाह सागर हैं, और इसीलिए जो लोग परमेश्वर के निकट आते हैं तो एक ही बात कहते हैं, परमेश्वर सचमुच बहुत महान है, सर्वशक्तिमान है, और वो सारे संसार का स्वामी है, सृजनहार है। हमने बहुत सी बातों को सीखा है, जाना है, समझा है। इस समय जो गुण मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ और मेरे प्रियो, वो है कि हमारा परमेश्वर जो है वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। हमने बहुत सी बातें सीखी, लेकिन इस समय हम ये सीखेंगे और देखेंगे कि हमारा परमेश्वर जो है वो जीवन देने वाला परमेश्वर है।
मेरे प्रियो, बाइबल में अय्यूब की कहानी पाई जाती है। अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य था। अय्यूब बहुत धनवान था। जितना अधिक वो धनवान था, उससे अधिक कहीं वो धर्मी था। परमेश्वर ने उसको 10 बेटे और बेटियां दिए थे, उसकी संतानें थीं, और वो बहुत ही आदरणीय और संपन्न व्यक्ति था। परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य था। लेकिन मेरे प्रियो, उसके जीवन में एक आजमाइश आई। ऐसा संकट का समय आया कि जबकि वो एक धार्मिकता का जीवन बिता रहा था, और शैतान ने ऐसी युक्ति लगाई कि उसको समाप्त कर दिया जाए। जी हाँ, बाइबल बताती है स्वर्ग में एक सभा हुई, और उस सभा में शैतान जो है घूमता हुआ पहुंच गया, और परमेश्वर ने कहा, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, मैं पृथ्वी पर डोलता हुआ आता हूँ। परमेश्वर ने कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर दृष्टि की है? खरा मनुष्य है, धर्मी मनुष्य है। शैतान ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर तूने तो उसके चारों तरफ बाड़ा बांधा है, उसकी सुरक्षा की है, और इसलिए वो जो है तेरा आदर मान करता है, वो खरा मनुष्य है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने शैतान से कहा कि ऐसी बात नहीं है। अगर जो कुछ उसके पास है, अगर मैं ले भी लूँ, तो भी मेरा दास मेरा आदर और मान करेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर और शैतान के बीच में बातचीत हुई, और ऐसी स्थिति आई कि जब शैतान ने कहा कि जो कुछ उसका है, अगर तू छुए तो वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, जा, जो कुछ उसका है तू सब ले ले, लेकिन उसके शरीर को हाथ मत लगाना। और शैतान अगले दिन जो है उसने अपना रूप दिखाया, और एक दिन में ही उसकी 10 बेटे बेटियां और उसकी धन संपत्ति, उसके दास, उसके घोड़े, उसके गधे, उसकी भेड़, उसकी बकरियां, सब कुछ नाश हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। और फिर अय्यूब जो है वो परमेश्वर के सामने गिर पड़ा और कहने लगा, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसी का नाम महिमा पाए, उसी के नाम की तारीफ हो। और जब अय्यूब ने इस प्रकार से परमेश्वर का धन्यवाद किया, तो शैतान जो है वो लज्जित और पराजित हुआ, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, और फिर परमेश्वर के सामने वो पहुंचा। परमेश्वर ने कहा, देख, तूने उसका सब कुछ ले लिया, फिर भी वो मेरा आदर और मान करता है। शैतान ने कहा, बात ऐसी नहीं है, अगर तू उसके शरीर को छुए तो वो अपने जुबान से तेरी निंदा करेगा। और अगले दिन शैतान ने जो है उसको छुआ, और अय्यूब के फोड़े निकल आए। परमेश्वर ने कहा, तो उसके शरीर को छूना, लेकिन प्राण को हाथ मत लगाना। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के जीवन की रक्षा करने वाला है। शैतान भी जब आपके जीवन में, परमेश्वर के लोगों के जीवन में परेशानियाँ लाता है, परीक्षाएँ लाता है, वहाँ पर भी परमेश्वर की दृष्टि आपके और मेरे ऊपर लगी रहती है। आज के संदेश में हम ये जानने और सीखने का प्रयास करेंगे कि हमारे जीवन का देने वाला परमेश्वर है, और हमारे जीवन की रक्षा भी वही करता है। और मेरे प्रियो, अय्यूब के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि बनी रही, हालांकि शैतान ने उसकी धन संपत्ति, उसके बेटे बेटियां सब कुछ को ले लिया, उसके शरीर को उसने फोड़ों से, नासूरों से भर दिया, और वो बैठकर शोक करने लगा और प्रार्थना करने लगा। उसकी समझ से परे था कि मेरे ऊपर इतनी विपत्तियां, इतनी परेशानियां क्यों आईं। उसके 3 दोस्त आए, उन्होंने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उसे सांत्वना देने की कोशिश की। लेकिन प्रियो, पूरी कहानी को आप जानते हैं। अय्यूब की पुस्तक को उठाकर आप पढ़िए, और अंत में आप देखिए कि अय्यूब अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करता है, और परमेश्वर उसका
जो दुख है उसे दूर कर देता है और दोबारा उसके घर में 10 बेटे बेटियां पैदा होते हैं और जितनी धन संपत्ति उसके पास पहले थी उसकी दोगुनी उसके पास हो जाती है। एक और बात मुझे याद आती है, जिस समय मसीह यीशु जो है वो क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, उसके एक दिन पहले उसने फिर अपने चेलों से कहा और बार बार उनको याद दिलाता रहा कि हम यरूशलम की तरफ जा रहे हैं, यरूशलम में मनुष्य का पुत्र जो है पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और मार डाला जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। चेलों ने ये बात समझने की कोशिश नहीं की। एक बार फिर जिस रात फसा खाया जाता है उस रात यीशु मसीह ने बताया कि अभी मैं पकड़वाया जाऊंगा और तुम सारे के सारे मुझे छोड़कर भाग जाओगे, ठोकर खाओगे। तो वहाँ पर पतरस कहने लगा, सब ठोकर खाएं तो खाएं, लेकिन मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ अपनी जान भी दे दूंगा। वहाँ पर यीशु मसीह ने चेलों से कहा, पतरस से कहा, पतरस देख मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है क्योंकि शैतान ने मांग लिया है तुम लोगों को कि गेहूं की नाई फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे और जब तू पलट कर आए, जब तू पश्चाताप करके आए वापस मेरे पास, तो अपने भाइयों को स्थिर करना। मेरे प्रियो, इन दोनों कहानियों और दोनों घटनाओं से हम एक ही बात को देखते हैं और वो ये देखते हैं कि शैतान की हर मुमकिन कोशिश ये है कि वो परमेश्वर के जो धर्मी लोग हैं उनको समाप्त कर दे, उनको मार डाले, उनको ख़त्म कर दे। उसने हाबिल को ख़त्म करने की कोशिश की और कैन ने हाबिल को मार भी डाला। परमेश्वर ने उपाय किया, एक दूसरा बेटा शेत नाम का बेटा जो है परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया। अगर आप उत्पत्ति शुरू से आखिर तक पढ़ें, आप देखिए कि शैतान की सारी शक्तियां जो हैं परमेश्वर के लोगों के विरोध में खुली हुई हैं और शैतान हर ऐसे मौके की तलाश में रहता है। पत्रस कहता है, पहला पत्रस 5:8 में, कि सचेत रहो, जागृत रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ डाले। जी हाँ, शैतान हमारे विनाश की खोज में है, लेकिन हमारा परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। उसकी दया से हम सुरक्षित हैं, उसकी दया से ही हम जीवित हैं। और जो लोग परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर उनकी रक्षा नहीं कर पाता है। इस बात को आप याद रखिए। आइए हम आज के अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और वचन से जो है उत्पत्ति 2 और उसका 7 पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नतनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। बाइबल बताती है कि हमारी सृष्टि कैसे हुई। परमेश्वर ने भूमि से मिट्टी ली, उसका पुतला बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। हमारे नथनों में जो जीवन का श्वास है ये परमेश्वर का दिया हुआ है। ये जीवन जो हमें मिला है मेरे प्रियो, परमेश्वर का दिया हुआ है। परमेश्वर के अनुग्रह से हम जीवित हैं, परमेश्वर की करुणा से हम बने हुए हैं। हमारा जीवन परमेश्वर से हमें प्राप्त हुआ है और परमेश्वर के कारण ही ये बना हुआ है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पिता काम करता है। जी हाँ, परमेश्वर निरंतर मेरे और आपके जीवन को संभालने के लिए काम करता है ताकि हम मिट ना जाएं। हमारी हर सांस उसके ऊपर निर्भर है, हमारी हर एक बात उसके ऊपर आधारित है। उसकी करुणा से ही हम जीवित हैं और जिस दिन उसकी करुणा हमारे ऊपर से हट जाए उस दिन हम मिट जाते हैं। आइए हम आज के अध्ययन में और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब मेरे साथ अय्यूब की पुस्तक में चलें, हम 33 और उसका 4 पढ़ना चाहेंगे। लिखा है, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। वचन कहता है कि मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बनाया है, उसकी सांस से हमें जीवन मिलता है। ये हमारे नथनों में जो जीवन का सांस है ये परमेश्वर ने दिया है और उसकी दया है, उसकी करुणा है जिसके कारण हम जीवित हैं,
हम बने हुए हैं, हम सुरक्षित हैं मेरे प्रियो। इसलिए याद रखें कि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन का देने वाला है। ये जो जीवन हमें मिला है यूं ही नहीं मिल गया। आज इस संदेश के द्वारा यही बात को हम समझने और जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा जीवन परमेश्वर से हमें मिलता है और हम परमेश्वर पर निर्भर हैं। मेरे साथ आप भजन संहिता 104 अध्याय में चलें और उसका 29 और 30 पद हम पढ़ना चाहते हैं। तू मुख फेर लेता है और भी घबरा जाते हैं, तू उनकी सांस ले लेता है और उनकी प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। वचन संहिता का लेखक कहता है कि जब तू मुख फेर लेता है तो वो मिट जाते हैं, तू उनकी सांस ले लेता है तो वो समाप्त हो जाते हैं और तू दोबारा उन्हें सांस देता है तो वो सिरजे जाते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के ऊपर हमारा अस्तित्व जो है वो टिका हुआ है। हमारा अस्तित्व केवल और केवल परमेश्वर की करुणा के ऊपर टिका हुआ है। उसकी दया से ही हमारी सांस हमारे नथनों में आती और जाती है। उसकी करुणा से ही हमारा जीवन बरकरार है। मेरे प्रियो, एक मिनट के लिए आप रुककर सोचें, विचार करें, कल्पना करें, परमेश्वर को कैसा लगता होगा जब मानव जाति जिसका जीवन उसकी करुणा से, उसके अनुग्रह से बना हुआ है, उससे जीवन पाकर जब शैतानी कार्यों में अपना समय अपना संसाधन खर्च करते हैं, जब हम परमेश्वर से जीवन पाकर परमेश्वर के दूसरे लोगों के जीवन को समाप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, कार्य करते हैं, परमेश्वर को कितना दुख होता है मेरे प्रियो, जब हम वो जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है उस काम के लिए खर्च ना करके हम दूसरे काम में खर्च करते हैं। आप कल्पना करें, अगर आप किसी मनुष्य को कोई उपहार दें और वो उपहार का वो दुरुपयोग करे, उसे वो गलत काम के लिए खर्च करे, तो क्या आपके दिल में ये बात नहीं आएगी कि मैंने जो इसे चीज़ दी है वो मैं क्यों ना इससे वापस ले लूं? आप इस बात पर विचार करिए कि मान लिया आपके मालिक ने, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ के सर्वोच्च अधिकारी ने आपको एक कार दी है ताकि उस कार के द्वारा आप हर दिन अपने ऑफिस जाएं, अपने कामों को करें और अपने काम को करके आप घर जाएं, आप समय से ड्यूटी पर पहुंचें और अपने कामों को करें, लेकिन आप जो हैं वो कार को क्या करते हैं, अपने बेटे को दे देते हैं। बेटा कॉलेज जाता है कार से, लेकिन आप जो लोकल ट्रेन है उसी में बैठकर आप ऑफिस जाते हैं और आप ऑफिस पहुंचते पहुंचते आपको देर हो जाती है और आपका अधिकारी आपको देखता है और आपसे कहता है, मिस्टर आपको देर क्यों हुई? और उस समय आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, आप कहेंगे मैं लोकल ट्रेन से आया और जो मेरी कार जो आपने दी है वो मैंने अपने बेटे को दे दी। आपका मालिक कहेगा कल वो कार को लाकर ऑफिस में खड़ी कर देना, आप उस कार के हकदार नहीं हो। जी हाँ, संसार में जब ऐसे होता है, परमेश्वर के बारे में आप कल्पना करें, विचार करें, परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है और इस जीवन को कई बार हम ऐसे कार्यों में लगाते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल नहीं होते, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में होते हैं, परमेश्वर के लोगों के विरोध में होते हैं, परमेश्वर के नाम के नाम को अपमानित करने के लिए होते हैं, शैतान के कार्यों के लिए होते हैं। जब हमारे कार्य हमारी शक्तियां व्यय की जाती मेरे प्रियो, परमेश्वर को दुख होता है, परमेश्वर को खुशी नहीं होती। याद रखें, जो आपका जीवन है वो परमेश्वर ने दिया है और इसलिए इस जीवन की वो सुरक्षा करता है, देखभाल करता है, तो हमारा ये कर्तव्य है कि इस जीवन की हम रक्षा करें और इस जीवन में जो कुछ हमें मिला है वो परमेश्वर की महिमा के लिए हम खर्च करें। मेरे साथ आप भजन संहिता उसका 36 अध्याय में चलें और उसका 9 पद हम पढ़ना चाहेंगे।
लिखा है, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। जीवन का सोता परमेश्वर के पास है, परमेश्वर ही है जो हमें जीवन देता है। बाइबल का हर लेखक इस बात को जानता और समझता है। पौलुस कहता है, मैं अगर जीवित हूँ तो परमेश्वर के अनुग्रह से जीवित हूँ। जी हाँ, अगर आप जीवित हैं और मैं जीवित हूँ तो हम इसलिए जीवित हैं क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन दे रहा है। परमेश्वर के पास ही जीवन का सोता है, जीवन कहीं और से नहीं मिल सकता, परमेश्वर ही हमें जीवन देता है। मेरे साथ आप प्रेरितों काम की पुस्तक में चलें, हम 17:25 पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम और उसका 17:25 मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वो स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। परमेश्वर मनुष्यों से कुछ नहीं लेता, हम उसे कुछ भी नहीं दे सकते। अगर हम दे सकते हैं तो अपना हृदय दे सकते हैं, अपने पाप, अपने गुनाह, अपनी गलतियों को हम उसे दे सकते हैं, और बाकी तो सब कुछ हमें मिलता है। हर एक उत्तम वस्तु, जीवन और श्वास, सब कुछ हमें परमेश्वर से मिलता है। मेरे प्रियो, इस जीवन को आप कैसे व्यय कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं, सोचने की बात है, क्योंकि न्याय के दिन हमें जो कुछ दिया गया है उसका लेखा लिया जाएगा, हमसे हिसाब लिया जाएगा। और अगर हमने अपने जीवन को, अपने समय को, अपने संसाधनों को गलत कामों में खर्च किया है, अपनी मनमानी से खर्च किया है मेरे प्रियो, तो न्याय के दिन हम दोषी ठहराए जाएंगे। ये जीवन परमेश्वर ने हमें दिया, हम इसके भंडारी हैं, और जो कुछ हमें मिला है हम उनके उन बातों के लिए परमेश्वर के भंडारी हैं। हमारा परिवार है, उसके लिए हम परमेश्वर के भंडारी हैं, और हमें सारी बातों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाना होगा, उसकी मर्जी को पूरा करना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छे भंडारी बन सकते हैं। मेरे साथ आप वचन की एक और आयत पढ़ने के लिए निकालें, हम यूहन्ना 3 में चलेंगे और उसका 36 पढ़ना चाहेंगे। लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। जो पुत्र पर विश्वास करता है परमेश्वर उसे अनंत जीवन देगा। ये जीवन परमेश्वर ने हम में से हर एक को दिया है, लेकिन इसके बाद अनंत जीवन है, वो जीवन जो कभी नाश ना हो। ये किसको मिलेगा? जो पुत्र पर, अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। ये विश्वास करता है कि मैं पापी हूँ, प्रभु यीशु मसीह निर्दोष है, और वो मेरे पापों को लेकर कलवरी क्रूस पर चढ़ गया, और वो मारा गया, और वो दफन किया गया, और वो जी उठा और स्वर्ग पर उठाया गया। जब हम ये विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तब परमेश्वर जो है वो हमें अनंत जीवन देगा। यीशु मसीह आएगा तो वो हमें अनंत जीवन देगा। अगर आप यूहन्ना 6 में मेरे साथ चलें और उसका 68 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। शमौन पत्रस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। यहाँ पर जब यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा था कि मेरा जो बदन है, जो मेरा मांस है, वो खाने की वस्तु है, मेरा लहू पीने की वस्तु है, ये गंभीर अर्थ हैं मेरे प्रियो। जब हम यीशु मसीह को खा लेते, यानी यीशु मसीह के समान हम बन जाते, उसका लहू हमें शुद्ध और पवित्र करता है। जब ये बातें चेलों को बताई गईं मेरे प्रियो, तो बहुत से चेले जो हैं यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। यीशु मसीह अपने दूसरे चेलों से कहने लगा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तो पतरस ने कहा, हे प्रभु, हम कहाँ जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। जी हाँ, अनंत जीवन केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। यीशु मसीह के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। पतरस ने प्रेरितों काम 4:12 में कहा,
कि आसमान के नीचे पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, केवल एक नाम है, मार्ग सत्य और जीवन, प्रभु यीशु मसीह। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है? क्या आपने अपने पापों का पश्चाताप कर लिया है? क्या आप उसके सामने खड़े होने के लिए तैयार हैं? यदि नहीं तो मैं आपका आह्वान करता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और इसलिए परमेश्वर आज आपको जगा रहा है, जागृत कर रहा है। वो बता रहा है कि तुम्हारा जीवन मेरे द्वारा चल रहा है। परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है और परमेश्वर चाहता है कि ये जीवन आपको मिला है, इस जीवन में आप अनंत जीवन को प्राप्त करने की तैयारी कर लें। आप अपने पापों से पश्चाताप करके, मन फिरा के, पूरी तरह से आप उसके राज्य के लिए तैयार हों, ऐसा जो है परमेश्वर चाहता है। क्या आप अपने जीवन को समर्पित करेंगे? क्या आप अपने पापों से पश्चाताप करेंगे? यदि हाँ तो आप मेरे साथ अपने सरों को झुकाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। करुणामयी पिता, मैं विनती प्रार्थना करता हूँ आपके इन बच्चों के लिए, आप इन्हें आशीषित करें जिन्होंने पश्चाताप किया है, उनके पापों को मसीह के लहू से धोकर उन्हें शुद्ध चरित्र दें, उन्हें पवित्र करें, उनके जीवन को बरकरार रखें और उनकी मदद करें पिता, कि इस जीवन में ये अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार कर सकें। इनके परिवारों में, इनके जीवन में, इनके कामकाज में आपकी आशीष और आपका अनुग्रह हो और पिता ये आपके राज्य में पाए जाए। धन्यवाद के साथ इस विनती को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। भाई बहनों, विश्वास करता हूँ संदेश से आपको आशीष मिली है और आप चाहते हैं कि हम आपकी सेवा करें, साहित्य के द्वारा आपके लिए प्रार्थना करें, तो अपने नाम और पते हमें भेजें, हमारा पता दिया गया है। प्रभु आपको आशीष दे और स्वर्ग के राज्य के लिए।